अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका लाइव विद अनुषा इकरा। मैं हूँ अनुषा। और कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ, मज़े में हूँ और खुश हूँ। तो आज मैं हूँ भाई अच्छी सी रेडी तैयार, और आज मैंने पहना है न्यू आउटफिट, तो इसका मैं अभी आपको फुल लुक भी दिखा दूँगी। तो ये मैं आउटफिट कराची से लाई थी, और एक दफ़ा भी मैंने जब पहना था जब वीडियो बनाई थी, और अब मैंने पहना है। वीडियो में तो बस मैंने ऐसे ही पहना था, बट फर्स्ट टाइम मैंने अब पहन लिया इसको सूट। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने। अभी हम लोग गए थे कुछ ग्रोसरी करने ईद की, तो ग्रोसरी पे इतना रश हो रहा था इसलिए हमने वहाँ की बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। फिर हम अभी आए और अभी हमने सामान वामान रखा है ग्रोसरी का, और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। डिनर करने कहाँ जा रहे हैं तो उसके लिए आपको देखनी है वीडियो फुल। अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, और डिनर करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मुझे जहाँ पे भी मेरे रिलेटिव या एवरी सब्सक्राइबर जो भी मुझे मिलते हैं, तो वो मुझसे इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि उनको लगता है कि मैं हर वक्त वीडियो लेके खड़ी होती हूँ, बस वो आएंगे और मैं उनकी वीडियो बना लूँगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं किसी की भी वीडियो नहीं बनाती, और ख़ासतौर पर अगर उसकी परमिशन ना हो और मैं वीडियो बना लूँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं पहले परमिशन लेती हूँ अगर मुझे बनानी भी है, और अदरवाइज़ तो मैं बनाती ही नहीं हूँ वैसे लोगों की, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग कैमरे के आगे नहीं आना चाहते, कुछ लोग कैमरे से घबराते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं किसी की परमिशन से पहले उसको यूट्यूब पे नहीं लाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये ध्यान से निकाल दें कि अगर आप लोग कहीं मुझे मिलेंगे तो मैं वीडियो बनाऊँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी चल रहे हैं डिनर करने, फिर हमें शॉपिंग भी करनी है, तो भाई चलो जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है काफ़ी। चले अल्लाह। और मेरा ड्रेस देख लें आप लोग भाई, कैसा लग रहा है आप लोग का। तो यहाँ आ गए थे हम लोग मैग्नम मॉल ग्रॉसरी करने, जो कि हमारे हैदराबाद आटोबान रोड पे न्यू खुला है, और काफ़ी अच्छा है ये मैग्नम मॉल। आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, यहाँ के रेट बहुत सही है, यानी कि अच्छे हैं और कोई ज़्यादा हाई फाई रेट नहीं है। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, हमने ग्रॉसरी भी करी, काफ़ी सामान भी परचेस करा था, लेकिन वीडियो मैंने इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं हर जगह की वीडियो नहीं बनाती, ख़ासतौर पे जहाँ पे मैं देखती हूँ कि रश हो रहा है या लोगों को इशू हो सकता है, तो मैं ऐसी जगह की वीडियो नहीं लेती। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं उन लोगों को कैप्चर करूँ जो आना चाहते हैं कैमरे में, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं ले पाती। तो यहाँ हम लोग आ गए थे बॉलीवुड मॉल, जो कि हमारे हैदराबाद में काफ़ी फेमस है और अक्सरियत में लोग वहाँ जाके शॉपिंग करते हैं। तो हम लोग भी आ गए थे भाई यहाँ शॉपिंग करने, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चों के साथ, और इनके चाचू और फूफो भी साथ थे। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप मुझे शॉपिंग कराएंगे, तो वो कह रहे थे कि ज़ाहिर है शॉपिंग कराने आए हैं तो शॉपिंग ही कराएंगे। तो किस किस की शॉपिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वैसे हम लोगों ने तो आप लोगों से ईद की शॉपिंग जो थी, जो भी थी, उसको हमने शेयर किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और किस किस को पसंद नहीं आई है तो वो भी बताइएगा, और किस किस को बहुत अच्छी लगी है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे और आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, बिना लाइक किए बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं और फिर चले जाते हैं, कितनी बुरी बात है। अगर आप लोगों को वाकई में हमारी वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ काफ़ी रश तो नहीं था यानी कि, और टिक्का लेने चल रही हो? टिक्का खाओगी? नहारी पराठा उठ जा, आपको भूख लग रही होगी, आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। निहारी और पराठा खा लो। सोनू फिर मैं दूध गर्म कर रही हूँ, दूध से नहीं खानी है, नहीं खानी, उठ के खाओगी है? चलो उठ के खा ले, उठो चलो जल्दी से उठो, सुबह खा लेना सुबह। तो ये क्लिप जो था इकरा को शहरी में उठाने का, वो था कल का, यानी कि एक दिन पहले का ये क्लिप था जो कि इसको उठा रहे थे हम लोग शहरी में, लेकिन ये नहीं उठ रही थी। और आप लोगों को अभी जैसे अनुषा ने कहा कि हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, तो यहाँ हम लोग आ गए थे मसाला रेस्टोरेंट।
जो कि बहुत ही फेमस है और यहाँ का टेस्ट वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप लोग भी कभी विज़िट कीजिएगा, खाइएगा और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और किस किस ने यहाँ पे आके डिनर एंजॉय किया है या कुछ भी इंजॉय किया तो ये भी बताइएगा। तो हम लोग तो यहाँ आए थे सुपर ब्रोस्ट खाने, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिल नहीं चाह रहा था कुछ हैवी खाने को या कुछ भी, बस ये हुआ कि हल्का फुल्का सा बस बाहर का हो, कुछ भी जो भी हो बाहर का हो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो फिर मसाला चलते हैं, ब्रोस्ट खाना है। बच्चों ने कहा हाँ मम्मा हमें ब्रोस्ट खाना है, फ्रेंच फ्राइज़ हालांकि रोज़ बनवाती हैं ये दोनों अफ्तारी में, लेकिन बाज़ार के खाने थे। मैंने कहा चलो भाई जहाँ भाई ये बच्चे कह रहे हैं वहीं चले चलते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे हैदराबाद में रमज़ान की रौनक है, बाहर है और ख़ूबसूरती देखें, सब लोग खुशी मना रहे हैं और ईद के आने की एक तरफ जहाँ खुशी है तो एक तरफ रमज़ान अल मुबारक के जाने का गम भी है कि ये महीना जो कि इतनी बरकतों और रहमतों वाला है, पता नहीं अगले साल हमें मिले ना मिले, क्योंकि मेहमान रमज़ान नहीं है, असल में हम लोग मेहमान हैं। तो अल्लाह पाक बस सबके साथ खैर का वक्त लाए और सबको साथ खैरियत से। आज मैं क्या लाई हूँ, आज मैं लाई हूँ कॉटन कैंडी जो मुझे बहुत पसंद है। किस किस को कॉटन कैंडी बहुत पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत पसंद है। और इकरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कॉटन कैंडी, इकरा को पसंद है नारियल कोकोनट, कोकोनट मुझे नारियल इतना अच्छा लगता है। इकरा को बुखार भी तो चढ़ा हुआ है, ये इकरा बुखार चढ़ा हुआ है, इकरा नारियल खा बहुत रही है, तेज बुखार हो रहा है इकरा को, दवा खिला। मेरा दिल चाहता है मेरे घर में कॉटन कैंडी की मशीन हो, मैं 24 घंटे कॉटन कैंडी बनाती रहूं। तो जब भी मेरी मशीन आएगी ना कॉटन कैंडी की, आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो अभी मैं एंजॉय करती हूं और आपसे बाद में मिलते हैं। तो यहाँ ये जो हमारा व्लॉग है ये टूटा फूटा सा छोटे छोटे से क्लिप्स का बना हुआ है, और यहाँ हम लोग जा रहे थे क्या लेने जा रहे थे, तो इसके लिए तो आपको वीडियो में आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी से बता दूँगी तो आप लोग स्किप कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप बिल्कुल भी मत किया करें, ठीक है, और फुल वॉच किया करें बस वीडियो। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे सरफराज बाबा के मज़ार के आगे से, हम लोग कहाँ जा रहे थे तो ये आप लोग देखिएगा। असल में मैं जा रही थी अपने लिए चूड़ियाँ लेने, क्योंकि आप लोगों को पता है लेडीज़ की जब तक मेहंदी चूड़ियाँ ना हो तो उनकी ईद जो है ना थोड़ी फीकी फीकी सी लगती है। तो यहाँ मेरे लवली हस्बैंड जो है मुझे कह रहे थे कि चलो भाई तुम लोगों ने जो भी अपना फ़ाइनल सामान यानी कि बिल्कुल फिनिश करना है आज तो वो ले लो जो भी लेना है। तो हमने कहा ठीक है, हमें चूड़ियाँ दिलाएँ मेहंदी दिलाएँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड चूड़ियों वाले की शॉप पे लाए थे मुझे, और हैदराबाद की चूड़ियाँ वैसे भी बहुत ही मशहूर है हमारे पाकिस्तान में कि हैदराबाद की चूड़ी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पे उनकी चूड़ियों के स्टॉल का जो कि बहुत ही खूबसूरत रंग बरंगी चूड़ियों से सजा हुआ था उसको मैं कैप्चर कर रही थी, तो मैं बना ही रही थी। तो वहाँ से अंकल आए और कहने लगे कि ये बनाओ, यहाँ की बनाओ, वहाँ की बनाओ। तो मैंने कहा जी अंकल मैं बना रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके। तो फिर वो खुद ही आ गए, उनसे सब्र ही नहीं हुआ, वो कहने लगे लाओ मैं बताता हूँ तुम्हें कि आज कौन सी नई चूड़ी आई हुई है, इस दफ़ा कौन सी नई चूड़ियाँ आई हुई हैं। फिर उन्होंने मुझे निकाल निकाल के दिखाई कि देखो ये बिल्कुल न्यू वैरायटी आई हुई है और ये बहुत ही मशहूर अभी चल रही है, बहुत ही फेमस हुई हुई है ये वाली चूड़ी, ये दिखाओ। मैंने कहा अच्छा ये भी दिखा देती हूँ। फिर मैंने उनसे रेट भी मालूम करे थे और यहाँ से मैंने अपने लिए भी चूड़ियाँ परचेज़ करी थी। तो मैं अंकल से कह रही थी कि अंकल चूड़ियों के साथ साथ मैं आपको भी कैप्चर कर लूँ, आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लूँ। तो अंकल कहने लगे कि नहीं मुझे बिल्कुल भी मत लो, बस तुम चूड़ियाँ ले लो। मैंने कहा चलें सही है जैसे आपकी मर्ज़ी। तो भाई अब ये देखें कि मैं जेंट्स की भी माशाल्लाह से अपने भाइयों की और जो मेरे बाप के बराबर हैं यानी कि उनकी उम्र के बराबर है मेरे वालिद के, मैं उनकी भी इतनी एहतराम करती हूँ कि उनकी बिना परमिशन के नहीं ले आ चुके हैं। डिनर करके शॉपिंग करके बहुत मज़ा आया, डिनर हमने किया था रेस्टोरेंट में, ब्रोस्ट खाया था, और अभी देखें हम लोग आते हुए लाए हैं मेहंदी, क्योंकि ईद पे मेहंदी लगाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेहंदी हमारे घर में कौन लगाता है, मेहंदी हमारे घर में कौन लगाता है भाई, कौन लगाता है पता नहीं कौन लगाता है। ये तो जब आपको चांद रात का व्लॉग आएगा तब आपको पता लगेगा कि हमारे घर में मेहंदी कौन लगाता है। और साथ में इकरा ने लिए कुछ हेयर बैंड, जैसे ये वो फ्रोज़न वाला है बहुत प्यारा सा, और रफली है ये ईद के नहीं है, और ये है सिंड्रेला वाले, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हेयर बैंड आते हैं ना घर के वो सारे इकरा तोड़ देती है, और एक हमने
ये लिया है, ये थोड़ा सा टाइगर प्रिंट का है रेड कलर का, तो ये लाए। और मम्मा और इकरा ने अपनी चूड़ियाँ भी ली है, चलो दिखा दो जल्दी से। तो ये जो इकरा का फर्जे का सूट है पिंक और ब्लैक, तो उसकी मैचिंग की इकरा ने ये चूड़ियाँ ली है। और मम्मा ने कौन सी ली है मम्मा, जरा आप खुद दिखाएं। तो मम्मा खोल रही है चूड़ियाँ। मैं इस तरह की पहनी हुई हूं अभी, ये ब्राउन। तो अब मैं चूड़ी वाले से लेकर आई हूं मल्टी। ये मेरा सूट भी थोड़ा मल्टी टाइप का है और अभी तक आया ही नहीं बेचारा से। मुझे लग रहा है वो ईद पे पहले दिन ही आएगा। आप लोग हटाना, तो आप लोग बताइएगा कि मेरी चूड़ियां। मम्मा एक मिनट रोके, कैमरा फोकस करे तो फिर पता चले। ये हाँ अब हो गया फोकस। तो ये देखे फुल रंग बिरंगी है मेरी। और फिर जब मम्मा पहनेंगी तो और लहराएंगी। इकरा ने तो एक ही पहनी है। तो चलो अल्लाह हाफिज करो इकरा, सही से करो जैसे आप वीडियो में करती हो ना, घर में ऐसी बोल लेते हो। तो मिलते हैं हम आपसे ओके जोर से बाय बाय।